न चेहरे पर मास्क। न सोशल डिस्टेंसिंग, न स्टेशनों पर चेकिंग। ना ही नए वेरिएंट का कोई खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर भले ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर होने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत इससे परे है। बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए अभी तक रेलवे स्टेशनों पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देश में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रोन की दस्तक, क्या उत्तर प्रदेश में बचाव को लेकर दिख रही है कोई हलचल, ये जानने समझने की कोशिश चारबाग रेलवे स्टेशन से। मुख्यमंत्री गंभीर हैं। बैठकों के जरिए दो दिन पहले निर्देश दे दिए गए थे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, यहाँ पर निगरानी सिस्टम एक्टिवेट हो जाए जो निष्क्रिय पड़ा था। हेल्प डेस्क दोबारा लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हम लोग सवेरे 9 बजे यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर हमें कोई कोविड हेल्प डेस्क नजर नहीं आई। आप मास्क नहीं लगाए, ओमिक्रॉन की दस्तक होगी, लगा लीजिए, जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को लेकर खास गंभीरता की जरूरत थी, लेकिन निशांतगंज में बच्चों के चेहरे पर ना तो मास्क था, ना ही टीचर्स ही उन्हें रोक टोक कर रहे थे। कोविड संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद कितनी तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है, कितना अलर्ट का पालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो देखने समझने की कोशिश एक सरकारी विद्यालय से। हम लोग निशांतगंज में मौजूद है, हालांकि अब स्कूल की जो छुट्टी है 12 बजे वो हो गई है, बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन मास्क कहीं नजर नहीं आ रहे। क्लास में मास्क लेके नहीं आते आप लोग? सर भूल गए थे। अच्छा, घर से मम्मी मास्क नहीं देती? देती है। अच्छा, तो लगाया नहीं आपने? लगा लो, है अभी बैग में रखा। बच्चे हाँ, 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 ये देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ सर, वो मास्क लगा के भी खेल सकते हैं? मास्क लगा के फुटबॉल नहीं खेल पाए। अगर ये कह रहे ना कि ये लगाए हुए मुझे दिखा रहे हैं, तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वो बच्चे खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं वो जो है। सर खिलाड़ियों को कोरोना नहीं होता, ये बड़ा हास्यास्पद बात बता रहे हैं। मास्क लगा के मतलब खेल होता है? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विदेश से लखनऊ आने वाले लोगों की खोज खबर ली जा रही है। बीते कुछ दिनों में लगभग 800 लोग बाहर से आए, जिसमें से 200 लखनऊ के थे। इनमें से आधे लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट अभी तक ट्रेस नहीं कर पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की पूरी तैयारी है। लखनऊ एयरपोर्ट पे 800 लोग पहुंचे, जिसमें से जो 200 लखनऊ के थे, उसमें से बहुत से ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार कॉल कर रही है, वो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ और जिलों के लिए व्यवस्था? और नहीं, हमारे पास जो भी ट्रैवल डिटेल्स आते हैं वो पासपोर्ट ऑफिस में लिखा हुआ है, या जो एयरलाइन है उनके माध्यम से जो भी डिटेल्स वो व्यक्ति देता है अपना एड्रेस, और उसमें तो उन एड्रेस पर हमारे जो भी जनपद हैं वो वहाँ पर वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। और फिर जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित है कि इन देशों से लगभग 12 देश या 18 देश का जो भी गाइडलाइन वहाँ भेजते हैं कि जिनका ट्रैवल हिस्ट्री उन देशों में से है, उन पर विशेष करके हमको ध्यान देना है, तो वो कर भी रहे हैं। सर चूंकि यूपी में चुनाव हो रहे हैं, जनसभाएं, रैली हो रही हैं, उनमें बड़ी भीड़ उमड़ती है, तो क्या राज्य सरकार को लग रहा है कि कुछ खास एहतियात बरतने की जरूरत है, तो अलग से केंद्र के इतर कोई प्रोटोकॉल, कोई गाइडलाइंस यूपी सरकार लागू करने की तैयारी कर रही हो? नहीं, अभी नहीं, अभी हमारे लिए मैं मानता हूँ कि बहुत अभी प्रीमेच्योर है, अभी बहुत ज़्यादा एविडेंस जब है नहीं हमारे पास कि कितना ट्रांसमिसिबल है ये जो नया वेरियंट है, और अभी दिख भी नहीं रहा है। जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में से जितना हमको सूचना प्राप्त हो रहा है फिलहाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस उन्हीं लगे लगा है, वो केसेस का जो जितना डिटेल उनको मिला है साइंटिस्ट के माध्यम से, वो पूरे विश्व में दिया जाता है हर देश को, तो हमारे पास अभी इसके रिकॉर्ड कुछ है नहीं, तो हमें ना चिंता करने की और घबराने की अभी जरूरत नहीं, अभी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी लहर में यूपी लड़खड़ा गया था, लेकिन लगता है अभी भी हमने कोई सबक नहीं लिया। ओमिक्रॉन को लेकर लोग भी बेफिक्र दिख रहे हैं, लेकिन इस समय सरकार के साथ साथ जनता को भी अलर्ट होना होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर को लेकर बनाए गए नियमों का पालन बेहद जरूरी है।